My dear children, welcome to our computer science class. Today we will learn chapter number 4, playing with images in paint. This is the part 2. Part 1 में हमने क्या देखा? Selecting tools and delete and copy picture. Okay, so remaining part in this one. Resizing screen a picture. The resize option helps to adjust the length and width of a part of a picture or the whole of it. क्या है? Resize option से हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारी length picture की जो भी हमारी length है अभी तक उसे हम adjust कर सकते हैं. It is also used to skew or tilt the picture horizontally or vertically. क्या है? Picture को हम horizontally और vertically भी कर सकते हैं. Follow the given step to use the resize option. Resize को कैसे यूज करना है? Steps दिए गए हैं. So first one, click on a type of a selection by clicking on the drop down under select. क्या करना है? Drop down में क्या होता है? Select option होता है, उसमें से कोई भी हमें selection choose करना है. Select the picture you wish to type of resize the dragging the pointer. क्या करना है? जो भी आपने selection choose किया है, हमें क्या करना है? जो भी हमें picture या जो भी part हमें resize करना है, तो उसमें क्या करना है? आपको pointer से ड्रैग करना है, सिलेक्ट करना है इस पार्ट को. इन द इमेजेस ग्रुप चूज द रिसाइज ऑप्शन. इमेजेस रिसाइज ऑप्शन क्या होता है? इमेजेस ग्रुप. तो आपको क्या करना है? इमेजेस ग्रुप में से जो रिसाइज ऑप्शन है उसे चूज करना है. द रिसाइज एंड क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन. क्या होगा? जो रिसाइज और क्यू जो ऑप्शन है वो डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा. चेक द बॉक्स विच सेज मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो. क्या करना है? हमें जो रेशियो है वो हमें चेक करना है. अंडर रिसाइज इन द हॉरिजॉन्टल बॉक्स टाइप ऑफ द न्यू वैल्यू द वर्टिकली बॉक्स वैल्यू चेंज ऑटोमेटिकली. क्या होगा? जब आप रिसाइज में आप कोई वैल्यू एंटर करोगे तो क्या होगा? यहाँ हॉरिजॉन्टली में आपने कोई बॉक्स में कोई वैल्यू एंटर कर दी तो क्या होगा? जो वर्टिकली बॉक्स है उसमें ऑटोमेटिकली वो वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके, और जब आप यहाँ पे ओके करोगे तो क्या होगा? जो आपका साइज है इमेज का या फिर पिक्चर का वो क्या होगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट. स्क्वीजिंग अ पिक्चर विल मेक इट स्लैंट और टिल्ट इट. अ वैल्यू नीड्स टू बी एंटर्ड इन द हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बॉक्स इफ द यूजर नीड्स टू स्क्यू अ पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. क्या करना है? जो भी हमें इस पिक्चर को जैसे भी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली चाहिए वो टाइम चेंज कर सकते हैं स्क्यू एंड रिसाइज ऑप्शन में. तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करना है. आपको आपका पिक्चर ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो क्या करना है? सिलेक्ट टूल्स में जाके सिलेक्ट करना है. हम रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करते हैं, देन आपको ड्रैग करना है जो भी आपका पिक्चर है उसमें. ओके, क्या करना है? जो इमेजेस ग्रुप है इसमें क्या है? रिसाइज ऑप्शन है, आपको ओपन करना है. ओके, देन जो हॉरिजॉन्टल इसमें क्या करना है? तो वैल्यू आपको एंटर करना है. तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करना है, यहाँ पे 60 ये वैल्यू एंटर कर दी. तो क्या हो गया? वर्टिकल में ऑटोमेटिकली 60 ये वैल्यू एंटर हो जाएगी. ओके, क्या हो गया? आपका ये जो पिक्चर का साइज है ये स्मॉल साइज. ओके, देन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे करना है ये भी हमने. तो क्या करना है? पहले सिलेक्ट करना है हमें. ओके, देन रिसाइज में जाना है तो क्या हो गया? ये स्क्यू एंड रिसाइज का जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो गया. देन हम पहले हॉरिजॉन्टली कर देंगे. यहाँ पे हम एक वैल्यू एंटर करते हैं, हमने यहाँ पे 20 ये वैल्यू एंटर कर दी है. ओके, क्या हो गया? ये जो हमारा पिक्चर है क्या हो गया? पिक्चर जो है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में चेंज हो गया. अब वर्टिकली देखते हैं कैसे चेंज होता है. अब बस आपको रिसाइज में ऑप्शन में क्लिक करना है और वर्टिकली में कोई वैल्यू एंटर करना है. यहाँ पे भी हमने 20 ये वैल्यू एंटर कर दिया. ओके, देन ये जो हमारा ऑप्शन है अभी आपने यहाँ पे सिलेक्ट को चूज नहीं किया था तो क्या हो गया? ये दोनों भी साइड चेंज हो गया. अब अगर जो 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 पार्ट आप
सिलेक्ट करोगे उतना ही पार्ट यहाँ पे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली दिस साइड में चेंज हो गया। यहाँ पे हमने अभी सिलेक्ट नहीं किया तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, वर्टिकली चेंज हो गया। सो कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड में क्या शॉर्टकट है, फॉर ओपनिंग द रिसाइज एंड क्यू डायलॉग बॉक्स कंट्रोल डब्ल्यू। रिसाइज और क्यू बॉक्स को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, हम कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की यूज करके भी हम उसको ओपन कर सकते हैं। ओके, रोटेटिंग फ्लिपिंग अ पिक्चर, फ्लिप मींस टू रोटेट और टर्न द सिलेक्टिंग पिक्चर, सिलेक्टेड पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्या है इसमें, जो भी हमारा सिलेक्ट किया हुआ पिक्चर है वो क्या है, हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको चेंज कर सकते हैं। टू टर्न द इमेज, टू टर्न द इमेज अपसाइड डाउन द विद वर्टिकल ऑप्शंस टू यूज होल टू गेट अ मिरर इमेज ऑफ द पिक्चर। क्या है इसमें, हम इमेज को टर्न कर सकते हैं या अप डाउन कर सकते हैं कुछ भी, हम इस वर्टिकल इस रोटेटिंग और फ्लिपिंग ऑप्शन में हम उसे पिक्चर को कर सकते हैं। ओके, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज द रोटेट ऑप्शन। देखते हैं कैसे इसके स्टेप्स दिए गए हैं यूज करने के। सिलेक्ट द पिक्चर, क्या करना है, हमें सबसे पहले ये पिक्चर जो हमारा वो सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द रोटेट ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब पर क्या है, ये जो रोटेट ऑप्शन है ये कहाँ है, इमेज ग्रुप में है। कॉपी के नीचे हमने रिसाइज देखा, रिसाइज के नीचे क्या है, रोटेट ये ऑप्शन। If you wish to rotate the picture, choose any one of the rotate option. क्या करना है, इस rotate option पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे options आपको मिलेंगे, उसमें से कोई भी एक option आपको choose करना है। If you need to fill the picture, choose any one of the flip option. क्या करना है, यहाँ से कोई भी option आपको choose करना है तो क्या होगा, जो आपका picture है वो rotate हो जाएगा। हम practically देखते हैं कैसे करना है। जो हमारा पिक्चर है उसको हमें सिलेक्ट करना है। ओके, पिक्चर हमने सिलेक्ट कर दिया, क्या करना है, ये जो रोटेट ऑप्शन है इसमें हमें क्लिक करना है, इमेजेस ग्रुप में रोटेट ऑप्शन इसको क्लिक करना है। क्या कर लिया हमने, सपोज यहाँ पे हमने रोटेट 90 डिग्री ऑप्शन चूज कर दिया। ओके, अगर हमने 90 डिग्री ऑप्शन चूज किया तो क्या हुआ, जो हमारा पिक्चर है वो 90 डिग्री में रोटेट हो गया। ओके, देन हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करना है पहले हमें, अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरा इमेज रोटेट हो जाएगा। ओके, देन फ्लिप वर्टिकल, ये वर्टिकल फ्लिप हो जाएगा। ओके, एक्टिविटी टाइम, व्हाट आर द टू वेज इन व्हिच यू कैन सी द पिक्चर। जैसे स्क्रीन किया हमने दो टाइप्स देखे थे, कौन से थे, हॉरिजॉन्टली और कॉपी अ पिक्चर। कैसे पिक्चर को हमें कॉपी करना है, हम देखते हैं, टू मेक अ कॉपी ऑफ अ पिक्चर और अ पोर्शन ऑफ इट, द कॉपी ऑप्शन इज यूज। क्या कर सकते हैं, जो भी हमें पोर्शन या फिर जो भी हमें पिक्चर कॉपी करना है वो हम कॉपी ऑप्शन से कर सकते हैं। इट इज अ यूजुअली यूज व्हेन यू विश टू यूज द सेम पिक्चर मोर देन वंस ऑन द राइट एरिया। जो भी आपका पिक्चर है वो आप कितने बार भी ऐसे कॉपी कर सकते हो। ओके, द दिस आर गिवन बिलो, द स्टेप्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट, क्लिक ऑन द टाइप ऑफ सिलेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरिया अंडर सिलेक्ट, टू सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ द पिक्चर यू विश टू कॉपी ड्रैग द पॉइंट। क्या करना, जो भी आपका पार्ट है या फिर पोर्शन है पिक्चर का, वो क्या करना है, आपको यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। चूज द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द क्लिप बोर्ड, कॉपी ऑप्शन कहाँ पे होता है, क्लिप बोर्ड ग्रुप में कॉपी ऑप्शन होता है, तो आपको क्या करना है, चूज करना है। चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिप बोर्ड ग्रुप इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्रॉइंग एरिया टू द कॉपी एरिया। क्या होता है, क्या आपने इसको कॉपी कर लिया, देन इसको पेस्ट करने के लिए क्या करना है, जो क्लिप बोर्ड ग्रुप है उसमें ही टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्या होता है, पेस्ट ये ऑप्शन होता है, तो ये भी आपको फिर पेस्ट करना है। क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो इमेज है वो पेस्ट हो गया। मूव द कॉपी टू द डिजायर्ड पोर्शन, इफ यू विश टू पेस्ट कॉपीज ऑफ द सेम पिक्चर अगेन क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। क्या है,
इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू कॉपी द इमेज अगेन. क्या है, आप अगर कॉपी करने के लिए आपको फिर आप क्या इस ये आपने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ओके, देन इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो कॉपी करने के बाद, ओके. और अगर आपको फिर से कोई इमेज कॉपी करनी है, वही इमेज आपको फिर से कॉपी करनी है, तो क्या कर सकते हो, आपको वापस कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप उसे अगर पेस्ट करोगे तो वो जो आपका पिक्चर है या जो आपका इमेज है वो वापस से कॉपी हो जाएगा, उसे वापस कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आप पेस्ट करके भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करना है. आपका पिक्चर है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. क्या करना है, आपको ये जो पिक्चर है इसको सिलेक्ट करना है. क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे कॉपी इमेज करना है, तो कॉपी कहाँ पर होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी ऑप्शन होता है, इसको आपको सिलेक्ट करना है. क्या हो गया, पिक्चर कॉपी हो गया. देन पेस्ट करने के लिए क्या करना है, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका जो इमेज है वो पेस्ट हो गया. इसको आप मूव कर सकते हो जहाँ भी आपको मूव करना है, ओके. अब यहाँ पे इसको मूव कर दिया और अब आपको वापस से यही पिक्चर अगर आपको कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, कॉपी करना पड़ेगा फिर से, नहीं सिर्फ आप पेस्ट करोगे तो क्या होगा, जो आपका ये इमेज है वापस से पेस्ट हो जाएगा. हमने कॉपी किया फिर से, नहीं हमें ये इमेज चाहिए तो क्या हमने सिर्फ पेस्ट किया. अब सपोज हमें ये इमेज चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे वापस से और आप कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे. कॉपी करके क्या करेंगे, हम पेस्ट करेंगे, तो ये वाला इमेज हमारा कॉपी पेस्ट हो जाए, ओके. हम जहाँ भी हमें चाहिए हम वो कर सकते. एक्टिविटी टाइम इन विच ग्रुप इज द कॉपी ऑप्शन लीडर. कॉपी ऑप्शन कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, कॉपी ऑप्शन ये क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे हमने क्या देखा, कॉपी इमेज कैसे करना है, स्क्वीजिंग और रिसाइज इमेज कैसे करना है, वो सब हमने देखा. तो ये सब आपको आपके घर पे प्रैक्टिस करते रहना है. रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट.